अच्छा तो हम ये खड़े हुए करंदरिया चौरंगी पे, मुशाहिद भाई क्या है ये, कौन सा गड्ढा है? यार दिशान भाई ये काफी अर्थे थे, यहाँ पे काम चल रहा है, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं ये लोग, समझ से बाहर है। अब आप ये देखे ना यार, खोद के डाला हुआ है वहाँ पे भी, खड्डा खोद के डाला हुआ है, ऐसे लग रहा है पता नहीं हम कहाँ गाँव देहातों में। ये देख रहे हैं आप ये रोड पे क्या हाल करा हुआ है, बीच में इतना बड़ा पहाड़ बनाया हुआ है। अब यही तो इनकी समझ से बाहर है, एक काम कर रहे होते हैं उधर दूसरी तरफ भी पहाड़ बनाया हुआ है, इस तरफ भी पहाड़ बनाया हुआ है, हर जगह खड्डे खोद के रखे हुए हैं, एक जगह का काम करें। अभी आज यहाँ पे ब्लेड चल रहा था, वो आधे में ब्लेड चला के गायब हो गया, और ये बाकी पहाड़ छोड़ दिया उसने बीच में, बीच में खड्डा भी छोड़ दिया, यहाँ पे गड्ढा भी छोड़ दिया, इसको भी बंद कर, और इसके ऊपर कोई डंडा भी, सेफ्टी की भी वो आगे देख रहे हैं आगे, ये पानी की लीकेज है, यहाँ पे पानी की लीकेज है प्लस खड्डा हो गया, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। आप इधर थोड़ा सा आगे जाएं, देखें ट्रैफिक की रवानी कैसे मुतासिर हो रही है, और लोग उधर से जा ही नहीं रहे क्योंकि इतना बड़ा खड्डा है, पता नहीं होगा नाला है क्या है क्या नहीं है। तो वो बाकी थी ना गल सिर्फ जमात इस्लामी, वो कहाँ है? आपको देखें एक भी नुमाइंदा नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेबर कौनसिल गायब है, लेबर गायब है, समझ में नहीं आ रहा कौन करेगा। झाड़ू वाले आए, आगे चलते आगे और भी गलियां देखते हैं, आज हम 14 का विजिट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जिशान भाई देखें, मैं अभी 14A में था, अभी यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, अब दाल पार्क कहलाता है ये, बाहर कहाँ है तो मुझे कचरा कुंडी लग रही है यार, अभी थोड़ा थोड़ा कचरा डाला है, फिर बाद में बड़ा ज्यादा होगा, फिर ये डंपिंग पॉइंट बन जाएगा करते करते। जिशान भाई मेरा लाने का मकसद ही इस वजह से था कि लोगों को भावकार कराएं, आप ये देखो यहाँ पे कचरा कुंडी बना हुआ है, थोड़ा सा आगे जाओगे फिर वो कचरा कुंडी, थोड़ा सा आप आगे जाते रहेंगे पूरा समझे एक डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है, वो देखे सामने एक हौदी बनाई हुई है। आपको याद है ये हौदी देख के कुछ याद आ रहा है, यहाँ पे कुछ पौधे लगाए गए थे, यहाँ पे पौधे लगाए गए थे, गायब हो गए जी, बिल्कुल गायब हो गए। आपने भी मुद्दा उठाया था यार यहाँ पे पानी नहीं है और आपने यहाँ पे पौधे लगा दिए, सबसे पहले यहाँ पे ग्रासिंग होनी चाहिए थी और सफाई होनी चाहिए थी, लेकिन बच्चों ने ना देखे आपके वो लकड़ी लगा के अपना फुटबॉल का वो बनाया हुआ है, लाजमी सी बात है, अभी आप रोडों से बच्चों को भगाएंगे तो वो बेचारे यहीं पे आके खेलेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि ये देखें आप कचरा कुंडी बना हुआ है, बच्चे यहाँ पे आके खेलें और उनकी सेहत बने, उल्टा बीमारी हो रहे होंगे। दूसरा ये क्या कहते हैं, ये जंगल बना हुआ है, एक तो यहाँ पे कचरे का डंपिंग पॉइंट बना हुआ है, प्लस वो सामने आप देख रहे होंगे कैसे यार, वो तो जंगल का लुक दे रहे हैं ना, असल में लोगों को जंगल जाना ना पड़े यही उनको मिल जाए जंगल का लुक, यहाँ आ जाए थोड़ी देर बैठे जंगल जैसा माहौल, पता नहीं कितने बच्चों की बॉलें अंदर होंगी वो बेचारे ढूंढते ढूंढते। नहीं असल में हम चाहते हैं अपनी आवाम को जंगल जैसा लुक देना, तो इस वजह से हमने ये बनाया है जंगल यहाँ। अब निशान में बच्चे यहाँ अपनी गलियों से भगा देते हैं, अब यहाँ पे भी नहीं खेले तो कहाँ खेले, अब यार मैं तो कहता हूँ बच्चों को खेलने ही नहीं देना चाहिए, इसीलिए हम पार्क नहीं बना रहे। तो आप कोशिश करेंगे इनकी कटाई के हवाले से तो इनको भावकार कराएं, ये देखें सामने फिर वो बिल्कुल सामने देखें भाई, ये तो अब सैनिटेशन डिपार्टमेंट देखेगा ना कहाँ है, पार्क डायरेक्टर साहब कहाँ हैं, टाउन नाजिम और चेयरमैन कहाँ हैं भाई, क्या कौन तो देखेगा इसको? दिखाने का मकसद ही है कि लोग शऊर पैदा हो। बहुत बुरा हाल है इस पार्क का भाई, 14 का पार्क है ये 14 एक आबदाल पार्क कहलाता है ये, और इसका मेन गेट का भी हाल, जंगल पार्क नाम रख देते हैं इसका, चेंज कर देते हैं यार, मेन गेट का भी हाल देखें, प्लस वहाँ पे पता नहीं किसने कब्जा करा हुआ है, वो लोग बैठे हुए हैं, अब बच्चे कहाँ जाएं। अभी ये देखें निशान पे हम लोग 14A की गली में आ चुके हैं, अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है चेयरमैन की गली है यार ये, जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, फरहान सोहेल भाई उनकी गली है, देखें क्या सब ठंडर का माहौल पेश कर रहा है यार, ये मुझे लग नहीं रहा तो खुद शर्म आ रही है कि यार मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, नहीं नहीं हम लोग किसी गाँव में कुछ भी नहीं कर सकते, गाँव में घूम रहे हम लोग ऐसा लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है, देखें आप मैं अगर आपको दिखा सकूँ खड्डे हर जगह, ये ऊपर नीचे प्लस हर घर से पानी भर है, देखो कल बोला तो है टाउन चेयरमैन ने कि पानी बहाने वाले को नोटिस वोटिस जारी करा करेंगे। निशान भाई ये कब होगा, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी मिसाल के तौर पे झाड़ू लगाने वाला आया है, अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके उनका विजिट भी करवाता हूँ, वो झाड़ू लगा के गए, झाड़ू के नाम पर धब्बा लग करके गए, मेरे ख्याल में पता ही नहीं चल रहा कि वहाँ की झाड़ू लगी है नहीं लगी है। अरे भाई जब तक इनके सर पे कोई खड़ा नहीं होगा ये तस्वीरें खिंचा के गायब हो जाते हैं, आपको पता नहीं है निशान भाई, लेबर भी ऐसी है ना, इनको बोलो कि यार आपकी लेबर ऐसी है तो वो बोलते हैं आप बुड्ढे हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट लेबर है भाई, तो जवान डाले ना, हमें क्या करना है भाई, हमें तो सफाई से मतलब है ना, अभी ये देखें आप कैसे खंडरात का माहौल पेश कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे गलियां हैं, सड़कें ही नहीं डली हैं, सड़कें भी नहीं डली हुई, प्लस आप देखो खड्डे ही खड्डे हैं, ऐसा लग रहा है मैं किसी गाँव देहात में घूम रहा हूँ,
किसी गोट में भी जाऊंगा उसकी उससे ज्यादा अच्छी रोड है ये। देखें आप देख सकते हैं मंदिर, बहुत बुरा हाल कर दिया भाई। ये सिर्फ 4-5 गलियों में मैं आपको विजिट करा रहा हूँ 14A की। जैसे आप देखें ये सदगिन फाउंडेशन स्कूल है इसके पास भी, फिर ये बराबर में पूरा बुरा हाल है रोडों का। ये देख सकते हैं इधर भी कचरा कुंडी बनी हुई थी, अभी कुछ सफाई हुई है लेकिन अभी भी गटर की हालत, ये वैसे के वैसे पड़े हुए सारे। ये दूसरी गली में मैं आपको ले जा रहा हूँ, पांचवी गली हाँ ये पांचवी गली है। अभी देखें इधर गटर भरा हुआ, क्या हाल है बेचारा, गटर भरा हुआ भर के बाहर बह रहा है। घर के बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे, घर के बाहर बाहर आगे आगे से इन्होंने नालियां बनाई हुई है। गांव में ऐसी तो नालियां बनती हैं यार, गांव में हम लोग घूम रहे हैं यार, आपको पता नहीं है यार। दिशान में मेरे ख्याल में गांव का माहौल भी इससे बेहतर होता है। अभी आप माशाल्लाह एजुकेटेड, यहाँ पे ज्यादातर एजुकेटेड पर्सन रहते हैं, फिर भी देखे कोई आवाज अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाता। ये देखे यहाँ से प्रणाली में जा रहा है, फिर ये देखे यार कैसे चलेगा काम। अबे आप ये बताएं ना, लोग अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा रहे होते, ये हमारे चेयरमैन और वो कोई भी नुमाइंदा नहीं है, सफाई करने वाले अपनी मर्जी के तहत सफाई करके चले जाते हैं। अभी बताएं क्या करें। अब ये देखें, ये यहाँ पे ब्लेड लगा के गए है ना, यहाँ तक उसने ब्लेड लगाया, उसके आगे का पूरा छोड़ दिया, जबकि उससे आगे अगर कोई बंदा मोटरसाइकिल पे चले ना, उसका खाना जो है ना 5 मिनट में हजम हो जाता है यहाँ से वहां तक जाने में। ऐसा ही है, इतना ऊपर नीचे, इतना उबर खाबड़ है, रिक्शे में बैठे बंदा तो उसका पित्ता फेफड़े की जगह, फेफड़ा पित्ते की जगह आ जाता है यार। अब ये बताए कैसे चलेगा ये शान भाई, ये कलंद्रिया से लेके कोई सुपरवाइज करने वाला मौजूद नहीं है ना, कलंद्रिया से लेके अंडा मोड़ तक के लिए, अंडा मोड़ तक का जो रोड जा रही है ना, बिल्कुल सारा ऐसी ठंडरात का माहौल पेश कर रहा है। प्लस आप ये देखो